दरअसल यार मैं पहुँच गया और यहाँ पे मैंने अपनी साइकिल जो है पार्क कर दी है। फर्स्ट टाइम है साइकिल इस तरह अननोन जगह पे पार्क कर दी। खैर यहाँ पे सब पार्क करते हैं, वहाँ पे भी एक बंदे ने पार्क की हुई है, बाइक्स भी खड़ी हुई हैं, तो मैंने भी यहाँ इसलिए पार्क कर दी ताकि यहाँ पे सेफ है। मेरे सामने ही यहाँ पे प्लाजा लो याद है, उसके पास पहुँच कर ही बताता हूँ क्या चीज़ है। तो ये हमारे सामने जो है जो बिल्डिंग है ये है प्लाजा लो याद की, और सामने आप देख रहे हैं KFC बना हुआ है, इसके सामने कुछ होटल्स बने हुए हैं, वहाँ हमारी खड़ी है लाल साइकिल। ये है होटल कैपिटल, उसके साथ बना हुआ है कसूट बंडल, कुछ शूज़ की शॉप है। यहाँ पर जो है बना हुआ है आयाम गोरंग बर्गर स्पेगेटी। स्पेगेटी भी समझ आ गया, बर्गर भी समझ आ गया, आयाम भी समझ आ गया। आयाम या चिकन को बोलते हैं, गोरंग नहीं समझ आया अभी गोरंग क्या है। तो ये नो पार्किंग जोन था इसलिए यहाँ साइकिल लाए नहीं, अच्छा किया। और ये सामने बना हुआ है 7-Eleven, वो बना हुआ है स्विच जो कि एप्पल का ऑथराइज स्टोर है। नेक्स्ट व्लॉग बल्कि उसी पे बनाता हूँ, वहाँ पे देखेंगे। और ये है जी एंट्रेंस प्लाजा लो यार्ड की, आपके सामने लिखा हुआ। और ये KFC बना हुआ है, उसके सामने बर्गर आ गया है बर्गर किंग। और ये रहा जी फूड शॉपिंग, मेरे ख्याल में नीचे फूड कोर्ट है, और अब यहाँ से हम एंटर होंगे। प्लाजा लो याड बेसिकली मलेशियाज लार्जेस्ट IT लाइफस्टाइल मॉल है। यहाँ पर आपको सारे तमाम बड़े ब्रांड्स, तमाम ही इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड चीज़ें, लैपटॉप्स, ऑफिशियल कंपनीज, ऑफिशियल पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स सब मिल जाते हैं। ये कराची का एक तरीके से जैसे हमारा टेक्नो सिटी है, तो ये भी काइंड ऑफ टेक्नो सिटी है। देखें अभी ये डेल का बना हुआ है, ये एलियन वेयर का ऑफिशियल स्टोर बना हुआ है, इस तरीके से बेतहाशा स्टोर बने हुए, रियल मी बना हुआ है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो ओप्पो है, रियल मी है, और मी है, और हुआवे भी, और वीवो ही है आपके सामने, ये वीवो का स्टोर है। तो ये बड़े बड़े स्टोर हैं जो यहाँ बने हुए हैं, और लोग यहाँ पे इन सारे ब्रांड को काफ़ी पसंद करते हैं। हमारे यहाँ तो उनको थोड़ा लो कैटेगराइज करते हैं, लेकिन अब आप खुद देखें वीवो ओप्पो मी लोग के जो फ़ोन हैं वो भी 1-1.5 लाख तक आ रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बात है उन फ़ोन के अंदर, और वो फ़ोन जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप खुद भी फील कर पाएंगे कि उसकी कैसी क्वालिटी है, कैसी उसकी टेक्नोलॉजी है, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे उनका काफ़ी नाम है, आईफोन तो है ही है, सैमसंग भी है, लेकिन इन चीज़ों के भी काफ़ी यहाँ पर वेराइटी है। अभी आप मेरे इर्द देख रहे हैं जैसे ये ग्लो है, ये माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर हैं, ये मी का स्टोर है, वो ओप्पो का स्टोर बना हुआ है, ये Insta360 एक्शन कैम वाले जो मैजिकल कैम बनाते हैं राइट के लिए, ये भी लेंगे इंशाल्लाह। कभी महंगा बहुत है यार, लेकिन अभी कुछ मेरे कंटेंट को पसंद करना शुरू करेगा तो उस लेवल पे जाएंगे। और यहाँ पे इस तरह के ये Insta360 का एक्शन कैमरे, जैसे हमारे पास GoPro है, Insta360 का, और ये भी एक एक्शन कैम है, ये मेरे ख्याल में 360 एंगल का आपको व्यू देगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी है X3 भी। तो ये टोटल Insta360 का स्टोर है, फ्लो AI टेकिंग सब ये सारी चीज़ इसके अंदर है। तो यहाँ पे ये देखें साइकिलिंग के लिए बेस्ट है, बाइक का पूरा बंडल मौजूद है। इस बंडल के अंदर आपको पूरे स्टैंड देते हैं, साथ में हेलमेट चेन माउंट देते हैं, वो आपको यू शेप लॉक देते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। और ये है RM2049 जो कि पाकिस्तान के लगभग 68 या 70 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपको उसकी अमाउंट पता चल जाएगी। और ये डिटैचेबल है, इसमें जो इसका ये कैम है ये डिटैच हो जाता है और वापस लग जाता है इसी इस तरीके से। आप इसको अपने कॉलर पे लगा लें, कॉलर पे लगा लें यहाँ पे ऐसे करके, या फिर आप इसको यहीं पे लगा के इस्तेमाल करें तो इस तरीके से इस्तेमाल। ये देखें जैसे बाइक पे मैंने आपको लगा के दिखाया है, मैंने तो खैर जुगाड़ें की हुई हैं टेप से, मैं भी आपको दिखाऊँगा मैं किस तरह लगाता हूँ, लेकिन ये भी इस तरह लगा के दिखाया मैंने। जो बॉडी पे अटैच करते हैं, अगर आपने यहाँ पे अपने चेस्ट पे लगा के सारा शूट करना है, जैसे अभी मैं इस मॉल का आपको दिखा रहा हूँ व्यू, तो इससे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे हाथ में मोबाइल पकड़ना नहीं पड़ेगा। मलेशिया में कंपैरेटिवली पाकिस्तान या दूसरे हमारे जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस लिहाज से मलेशिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बहुत सस्ता है। उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पर जो ड्यूटी है, टैक्सेस हैं, जो इम्पोर्ट और जो जितने भी ट्रेडिंग टैक्सेज हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज तो यहीं पर ही मैन्युफैक्चरिंग करती हैं,
और जो बाहर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं जो ज़्यादातर तादाद जैपनीज है चाइनीज़ है तो वो भी जब यहाँ पर उसको लेकर आते हैं मलेशिया के अंदर लेके आते हैं तो उनको एक तरीके से ड्यूटी फ्री टैक्स फ्री ही पड़ता है, तो पैसों के अंदर ज़्यादा फ़र्क आता नहीं है। इस वजह से भी मलेशिया बड़ी ज़बरदस्त जगह है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स को एक्सप्लोर करने की और यहाँ पर मार्केट को परचेज़ करने। आप ये देखें HP का स्टोर है यहाँ पर, स्कैनर्स प्रिंटर्स और ये सारी चीज़ें हैं। ये मैक्सिस है, मैक्सिस इनका समझ लें जैसे जैज और यूफोन वगैरह होता है इस तरह करके इनकी टेलीकॉम कंपनी है। लेकिन की अच्छी बात ये है कि ये आप इनका प्लान अगर परचेज़ करें तो पूरे साल या साल के लिए और दो साल के लिए आपके पास जो है इसका वो होता है, आप इनका मोबाइल ले सकते हैं, प्लान के साथ में मोबाइल देते हैं। मोबाइल की आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती, जस्ट हर महीने आपको पोस्ट पेड प्लान के पैसे देने पड़ते हैं और इस तरीके से आपको बहुत ईजी हो जाता है आईफोन के फ्लैगशिप मोबाइल से एक्सेस करना या सैमसंग मोबाइल से एक्सेस करना, तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये सैमसंग का स्टोर है, यहाँ पर भी हम इसको देख लेते हैं। इनके पास यहाँ पे ये S22 फ्री स्टाइल पड़ा हुआ है, इसके प्राइस हैं आप जिस कंट्री से भी देख रहे हैं उसके यहाँ प्राइस कन्वर्ट कर लें आपको पता चल जाएगा। ये Z4 आया हुआ है यहाँ पे, इसका जो डिस्प्ले है वो इस तरीके का है। लेट्स सपोज अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मैसेज लिखना चाहता हूँ और मैं यहाँ लिखूँगा तो इसका जो की पैड है वो यहाँ पर आ जाएगा और की पैड का लेआउट चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम इसको टाइप कर सकते हैं। ये अच्छा फ़ोन है, लेटेस्ट लॉन्च है, और ये फोल्ड है और ये फ्लिप है, इसके इसमें फ़ोन फ्लिप हो जाता है, आप इसको क्लोज कर सकते हैं। यूजली ये लेडीज़ के लिए परफेक्ट फ़ोन है क्योंकि इसमें आउटसाइड डिस्प्ले भी है और कैमरा भी है, इनफैक्ट आप यहाँ से कैमरा भी एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको सैमसंग ओवन मिल जाएगा यहाँ पे, ये भी फुल हाई टेक ओवन है 1959 का। तो ये अब हम हैं DJI के स्टोर पे, इनके पास ये माइक हैं जो मुझे चाहिए थे और यहाँ पे ड्रोन कैन शूट। ये फौजी फिल्म के पुराने कैमराज हैं, खैर भी ये एंटीक हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी यार बहुत एक्सपेंसिव है, 429 रिंगिट पाकिस्तान का पता नहीं 15-20 हज़ार तो बनेगा। मैं भी कैलकुलेशन कर लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को प्राइसेस बतानी है, मुझे ऐसे समझ नहीं आ रही बताना इसमें क्या होता है। तस्वीर खींचते हैं और दूसरी साइड से निकल आती है, और ये इसका अवाटा, ये मेरे ख्याल में FPV बोलते हैं FPG बोलते हैं, हाँ FPV वो है ड्रोन है जिसको आप मल्टी डायरेक्शनल वे में आप इसको फ्लाई कर सकते हैं। खैर जो लोग उड़ाते हैं उनको ज़्यादा सी नॉलेज होगी। ये है मैविक मिनी 2 SE जो आप देख रहे हैं, और DJI मिनी 3 Pro, ये भी मेरे ख्याल में फोल्ड हो गया, इसकी अच्छी पोजीशन बन जाती है, इसकी प्राइस भी अच्छी खासी है। कॉम्बो आपको 2149 का मिलता है। मिनी 3 है, एयर 2S है। अच्छा जिनके कैमरे हैं वो ये हैं, और जिसका कैमरा है कंपैरेटिवली बड़ा है, 20 MP का कैमरा 1 inch मारो कैमरा का। सो ये था DJI का स्टोर, आइए चलते हैं यहाँ पे और बाकी स्टोर्स को भी देखते हैं, वीवो ओप्पो के फ़ोन्स देखते हैं, लैपटॉप्स देखते हैं किस तरीके के हैं, आपको वहाँ पर भी दिखाता हूँ कुछ प्राइस का कंपेरिज़न वहाँ पर भी दिखाता हूँ आपको, और मैं आपको मैक्सिस का प्लान भी दिखाता हूँ जो मेरी मैक्सिस की प्लान से रिलेटेड आपकी बात हो रही थी कि इसमें आपको कितने पैसे कहाँ से देने होते हैं और कौन सा फ़ोन आप ले सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट इनके प्लान होते हैं इधर, और ये इनके लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये इनका प्री पेड पास है जैसे कि आप ये देख रहे हैं 63 पर मंथ के हिसाब से एप्पल वॉच ले सकते हैं, सीरीज 7 ले सकते हैं 81 पर मंथ। इसी तरीके से ये आईफोन 13 और 14 के अगर आप पैकेज देखें इसकी टोटल प्राइस बनती है 3699, लेकिन अगर आप 80 rupees पर मंथ के हिसाब से लेते हैं जो कि एक या दो साल का पैकेज होगा तो ये आपको फ़ोन इसके साथ समझ में फ्री मिलता है, और जो प्लान होगा उसमें आपको डिफरेंट GB कॉल SMS ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारे आईफोन से रिलेटेड सारे पैकेजेस हैं आईफोन 14 प्लस।
इस तरीके से मैक्सिस है, इस तरीके से और कंपनीज भी हैं यहाँ पे। तो ये मैक्सिस एक वन ऑफ द कंपनी है। इसके अलावा लिनोवो का स्टोर है, यहाँ पे लिनोवो के सारे लैपटॉप्स पड़े हैं, गेमिंग लैपटॉप्स, ये लैपटॉप्स, वो लैपटॉप्स। ये एक और कंपनी है जिसका नाम है यूनिफाई, इनके भी डिफरेंट पैकेजेस हैं। खैर यहाँ पे फ़ोन तो नहीं पड़े लेकिन इनके ये रॉक्सर पड़ा है, इसको देख लेते हैं क्या क्या पैकेज है। तो इसमें भी देखें आप, 89 रिंगिट पर मंथ से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे छोटे फ़ोन्स भी होते हैं, जो नहीं आप फ्लैगशिप फ़ोन ले। ये हम जो है इस वक्त स्टोर में आ चुके हैं लिनोवो के, और यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त ही लैपटॉप पड़ा है जो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। लिनोवो प्रीमियम केयर आपको इसके साथ मिलती है। ये डुअल डिस्प्ले में है बेसिकली, इसका यहाँ पे भी डिस्प्ले है और इधर भी डिस्प्ले है। और ये देखें जैसा क्या यहाँ पे आपको डबल डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पे आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे यूट्यूब खोल लेता हूँ, और स्क्रीन पे भी आप कुछ भी खोल सकते हैं। तो ये आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, यानी कीबोर्ड भी आपको यहाँ मिल जाएगा, और अगर आप डुअल काम करते हैं तो आप इसको खड़ा भी कर सकते हैं, लिटा भी सकते हैं, और किसी भी पोजिशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्लीक डिज़ाइन है इसका। इसकी प्राइस यहाँ नहीं दिखी है। खैर योगा सीरीज़ है, योगा इनकी फोल्डेबल सीरीज़ होती है मोस्टली, तो ये भी फोल्डेबल है। जैसे ये फोल्डेबल लैपटॉप है, ये इसका एयर इंडक्ट है, ये डिटैचेबल है तो इसकी स्क्रीन अलग हो जाती है, और ये इसका कीबोर्ड है, काफ़ी लाइट है, तो इतना ज़्यादा वेट आपको इसका मालूम नहीं होगा। ये सिर्फ टैबलेट है, इनके प्राइसेस यहाँ लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन ये डिटैचेबल लैपटॉप जो यहाँ पड़ा हुआ है, इस पैक्स के साथ इसकी प्राइसेस हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं तो फुल गेमिंग लैपटॉप्स यहाँ पड़े हुए, फुल हाई कॉन्फ़िगरेशन, लेटेस्ट अपने कार्ड्स के साथ, GDDR6 की रैम, 4GB, 3050 Ti वाला कार्ड में भी है, 4GB, 4GB 330 Ti, ये 3060 वाला जो ग्राफिक कार्ड है उसमें ये वाली मशीन है, काफ़ी ठीक है। ये भी है iPad Gaming 3, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन ये आपको सामने दिखने नज़र आ रही है। इसका जो बैक लाइट की है वो वाइट है, काल में जो इसकी मैं देख रहा हूँ वो 8GB है, आपको शायद मोबाइल में नज़र भी आ रही होगी। सो ये लीजन सीरीज़ है बेसिकली लिनोवो की। इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है वो इनका ये साइड वाली फोल्डिंग लगती है, तो जब उसको फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर आपको एक अलग से कुछ मॉनिटर्स मिल जाते हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी पावर पे लगी हुई है, SSD लगी हुई है, HDMI पोर्ट अटैच है, USB पोर्ट अटैच है। तो ये डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं, वाइट में मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सिल्वर में है। और ये यहाँ पे कुछ थिंकपैड सीरीज़ है, क्योंकि तो मशहूर है ज़माना है थिंकपैड। तो अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं, अगर आप इवन दो डिवेलपर हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट मशीन जो है वो थिंकपैड है। थिंकपैड आप लें, इसकी भी मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, आप कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कड़क जो मशीन है ना वो थिंकपैड है। लिनोवो के थिंकपैड मेरा अपना भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लिनोवो की थिंकपैड की मशीन ही लें, ताकि ऑफिस वर्क के लिहाज से ख़ास तौर पर। उसकी तरफ यहाँ पर आ जाते हैं, ये मिड रेंज लैपटॉप है, आइडिया पैड्स हैं, ये भी आपको ज़रा मिड रेंज में मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम किसी भी कंपनी से आप लेंगे तो वो आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएंगे। जैसे आपको ये देख रहा होगा 6500 के लैपटॉप है, तो ये 12 मंथ्स की आपके पास यहाँ पे प्लान में भी मौजूद है। सो ये आइडिया पैड सीरीज़ है, मुझे याद है मेरे इस तरह का एक था आइडिया पैड ब्लू कलर का जो टूट गया था। एनीवेज वो बहुत आइडिया पैड भी बहुत अच्छी सीरीज़ है, लेकिन सबसे अच्छी और जो रिजिड लैपटॉप्स हैं वो थिंकपैड है। सो हाईली रिकमेंडेड थिंकपैड, अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं, अगर आप बहुत ही हाई लेवल का आपका हैवी काम है तो आप जो है लिनोवो का थिंकपैड ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी तरीके से मैंने आपको सारी मशीन दिखा दी ऑलमोस्ट। आप यहाँ पे यहाँ पर हर तरह की मशीन भी मौजूद हैं, एसूस की मशीन मौजूद हैं यहाँ पर, आपको एसूस का स्टॉल है यहाँ पर, टोटल एसूस के लैपटॉप्स में दिखा दूँ। और मोर और लेस सारे लैपटॉप एक ही जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ लैपटॉप जो है वो उनकी बहुत अच्छी सीरीज़ है। जैसे ये वाला लैपटॉप है ASUS ZenBook 14X OLED, इसमें आपको यहाँ पे भी डिस्प्ले मिलता है, और ये टोटल ही बहुत ही हाई स्पेक स्पेस एडिशन है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस लैपटॉप? 5965।
Okay. Is it detachable? Huh? Is this detachable? Yes. Okay. Because this is a special edition. Also limited edition. See, basically OLED screen के साथ आता है, जिसमें आपको यहाँ पर भी फंक्शन मिल जाते हैं और काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है। उसकी प्राइस और स्पेक्स ये आपके सामने आप देख सकते हैं। Alright, thank you. ये थे हमारे पास Asus के लैपटॉप्स। Asus के साथ मेरा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। खैर, लेकिन यहाँ पे ये देखें, ये फुल गेमिंग मशीन्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देखें, फुल RGB सेटअप के साथ। जिस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी लाइट्स वगैरह जो हैं ये अलग से लगती हैं और ये आपके गेमिंग सेटअप को जो है मज़ीद खूबसूरत बनाती हैं। देखिए, मुझे एक मॉनिटर लेना है जो कि अल्ट्रा वाइड हो, जिस तरीके से ये अल्ट्रा वाइड मॉनिटर पड़ा है, दिस इज़ द बेस्ट। और मुझे अच्छा लगता है कि ज़रा थोड़े वाइड स्क्रीन हो और ज़रा उसमें देखने में काम करने में मज़ा आता है। फिर यहाँ पे आपको MSC के लैपटॉप मिल जाएंगे। MSC की प्राइस मुझे ज़रा सही लग रही है, लेकिन इनकी मशीन जो बहुत अच्छी होती है। मेरे कुछ दोस्तों की पास मशीन हैं जो कि वो यूज़ कर रहे हैं, अच्छी है। इनकी गेमिंग मशीन, गेमिंग सेटअप की तरफ जाते हैं। ये जो है टोटल MSC का गेमिंग सेटअप इन लोगों ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जिसमें कर्व्ड गेमिंग मॉनिटर की प्राइस यहाँ लिखी हुई है। और ये आई थिंक 34 इंच का कर्व्ड मॉनिटर है, जो कि OLED है, आई गेस। नो, OLED नहीं है, UWQHD है, अल्ट्रा वाइड क्वालिटी हाई डेफिनेशन, पता नहीं क्यों से क्या था। खैर, यहाँ पे पूरा सेटअप बनाया हुआ है। और ये इसकी मशीन है MSC की केसिंग के साथ, और ये है मैकेनिकल इसका कीबोर्ड। ये ज़रा साउंड प्रूफ मैकेनिकल है, एक दूसरा होता है खच 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 खच, शायद वो वाला ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ स्पीकर्स का Logitech का सेट, और उसके साथ आपको ये गेमिंग बॉक्स मिल जाता है। ये MSC की पूरी गेमिंग लैपटॉप की सीरीज़ है। अगर आप इसमें देखेंगे, इसके जो बटन्स हैं, इसके अंदर RGB लाइट जो ग्लो कर रही है, तो खैर जो गेम्स खेलते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये एक एक्स्ट्रा मॉनिटर है, अगर आप अपने वर्क स्टेशन के साथ एक्स्ट्रा मॉनिटर रखना चाहते हैं, या अगर आप डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आप ये वाली मशीन यूज़ कर सकते हैं। ये वाली मशीन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इसका आप कलर देखें, इसका वो देखें, व्यू देखें, और जो लाइट है वो भी आपको पूरा RGB जो है इसका बैकग्राउंड दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा यूनिक मशीन है। ये इसके सामने इसकी प्राइस है, ये आप देख सकते हैं। एनीवेज, मोर और लेस सारी मशीन जो हैं वो सेम ही है, लेकिन MSI इज़ बेस्ट फॉर गेमिंग। अगर आपने गेमिंग के लैपटॉप लेने हैं, तो MSI का आप लैपटॉप ले सकते हैं।